दतिया में सम्यक अभियान संकल्प यात्रा प्रभारी भास्कर राव रोकड़े पहुंचे। यहां प्रदेश कांग्रेस महासचिव अशोक दांगी वगदा ने भास्कर राव रोकड़े का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भास्कर राव ने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नौकरियां दिलवाना है। भास्कर राव रोकड़े ने दतिया से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी अशोक दांगी वगदा का समर्थन किया और धार्मिक आयोजन की बात कही। है आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को मिले अधिकार के तहत, जनगणना का अधिकार नहीं है राज्य सरकार के पास, लेकिन सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जातिगत आधार पर सर्वे कराने का अधिकार है। उस अधिकार के तहत सर्वे करा के आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित कर ओबीसी वर्ग को केवल 27% नहीं बल्कि उनकी जितनी आबादी है उस आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित कराना, और इसके साथ साथ पढ़ाई में सबसे अधिक अंक लाने वाले युवाओं को सम्मान दिलाने के लिए उनके लिए 10% अतिरिक्त आरक्षण एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत दिलाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जो कि वर्गगत व्यवस्था से अलग होगी। मेरे ख्याल से अशोक जी जो हैं धार्मिक कार्यक्रम कितने कर रहे हैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने वाली योजनाओं को लेकर युवाओं के बीच जा रहे हैं, लगातार युवाओं को संगठित कर रहे हैं, ये मुझे जानकारी है। और जो युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, युवा उनके साथ है, तो मुझे लगता है कि पार्टी उनके साथ, जो जन समुदाय साथ आ रहा है, इस बात का ध्यान रखेगी और उनको अवसर दे सकती है।